नमस्कार, हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर मनीष साहू है। मैं एक जनरल फिजिशियन एंड चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ जो नोएडा सेक्टर 61 में प्रैक्टिस करता हूँ। आप पल्मोनोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं और लंग्स स्पेशलिस्ट, अस्थमा स्पेशलिस्ट भी बोल सकते हैं। कोविड वैक्सीन के कारण हार्ट अटैक के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, सो ये एक मिथ है। दिस इज अ रूमर। इसके लिए हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या ये नहीं कि मैंने तो कोविड वैक्सीन लगा रखी है तो मुझे हार्ट अटैक के केसेस हैं, क्या मुझे भी हार्ट अटैक हो सकता है। बेसिकली देयर इज 0.0004% चांस of having clotting effect after COVID vaccine. जो अगर आप देखो तो 10 लाख में से 4 केसेस हो, तो किसी भी मेडिसिन या वैक्सीन के लिए ये नेग्लिजिबल है। इसको अगर हम आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करके पॉलिटिकली गेम के लिए, एक दूसरे के लिए जो हमारे कंट्री में बहुत होता है, तो उसे हमें एज ए पब्लिक हमारा कॉमन सेंस इंटैक्ट रखना चाहिए। डॉक्टर से कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपको जरूर क्लियर करना चाहिए। तो दिस क्लॉटिंग फैक्टर जो इतना कम परसेंटेज है पोस्ट कोविड वैक्सीन, ये कोई रीजन नहीं है हार्ट अटैक। बिकॉज मोर देन दैट देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच आर कॉजिंग क्लॉटिंग, लाइक इफ फीमेल, जो फीमेल्स बर्थ कंट्रोल पिल लेती है उसमें हायर चांसेस ऑफ क्लॉटिंग। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक आयुर्वेदिक जिसमें हार्ट अटैक क्लॉटिंग होने के चांसेस ज़्यादा है। प्लस स्मोकिंग है एक फैक्टर जिसमें क्लॉटिंग होने के चांसेस ज़्यादा है। प्लस अगर हम कोविड एज अ डिजीज की बात करें तो यस, पोस्ट कोविड क्लॉटिंग होने का चांसेस बहुत इंक्रीज हो गया। जैसा कि मैंने बोला वैक्सीन में 0.0004% है, बट पोस्ट कोविड दिस इज 16.5% चांसेस ऑफ हैविंग क्लॉटिंग इन द ब्लड एंड दैट लीड्स टू हार्ट अटैक। सो यस, कोइंसिडेंस ये है कि कोविड के बाद हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, कोविड के टाइम हमने वैक्सीन भी लगाई है, तो हमें ये कंफ्यूजन हो रहा है कि वैक्सीन के कारण तो हार्ट अटैक नहीं इंक्रीज हो रहा, बट बेसिकली कोविड के बाद क्लॉटिंग इंक्रीज हो रहा है, तो कोविड इज इट। प्लस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हम भूल जाते हैं वो ये कि कोविड 2020 में ही नहीं आया था, 21 वो जो सेकेंड डेल्टा वेव था, दैट वॉज नॉट द ओनली कोविड। उसके बाद भी कोविड हमें हो रहा है, हर साल हो रहा है लोगों को कोविड, और ऐसा नहीं है कि उसके बाद कोविड के बाद हमें हार्ट अटैक या इतने सारे ये हो रहे हैं। हर साल लोगों को कोविड बट अनडिटेक्टेड कोविड, हम टेस्ट नहीं कराते, आरटीपीसीआर नहीं कराते, देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिएंट्स जो हर साल कोविड के आते हैं, अभी भी एक वेरिएंट सब वेरिएंट कोविड का चल रहा है, इसे हम कॉमन वायरल फ्लू में उसकी ट्रीटमेंट चलती है। बट तो जो क्लॉटिंग इफेक्ट है वो तो चाहे वो कोविड हो चाहे वायरल, उसकी तो रहेगी, उसके कारण डेफिनेटली देयर विल इंक्रीज इन द चांसेस ऑफ हैविंग हार्ट अटैक। कोविड वैक्सीन पे हम थोड़ा सवाल आते हैं, बिकॉज कोविड वैक्सीन हम ऑलमोस्ट सब लोगों ने लगा लिया, ठीक है, फर्स्ट डोज हुआ, सेकेंड डोज हुआ, किसी किसी का बूस्टर भी कर चुका। यस, यू कैन डू वन थिंग, अगर इतनी एप्रीहेंशन है तो आप बूस्टर अगर आपने नहीं लगा रखा तो आप मत लगाओ। सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज के वैक्सीन के बाद डरना नहीं है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा या कुछ आ जाएगा। अगर आपको बचना है हार्ट अटैक आने से, सो हमारे कंट्री के जो मोस्ट फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर डेविड सेंटर, उन्होंने सिंपल बोल दिया है, जिसको भी लगता है या डर लगता है तो उसे बस एक काम शुरू करना है, एवरी मिनट, एवरी डे यू हैव टू वॉक 40 मिनट्स पर डे। 40 मिनट आपने वॉक करना है और उसके बाद आपको कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो नहीं करो, बट वॉक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Sedentary lifestyle is more common and reason than COVID vaccine and COVID to have a heart attack. Sedentary lifestyle का मतलब क्या होता है? Work from home का जो आजकल कल्चर चल रहा है, जिसमें लोग 2 साल 3 साल से COVID के बाद से घर में ही बैठ के काम कर रहे हैं, लैपटॉप में भी काम कर रहे हैं, तो बाहर नहीं निकलते, मतलब कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई वॉक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसमें आपको बस देखना है कि आप अपना वॉक इंक्रीज करो, आप जो बाहर से जो खाना खा रहे हो उसको डिक्रीज करो, ज़्यादा खाना ज़्यादा खाओ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा खाओ, हाइड्रेट करो, एक फ्रूट रोज का खाओ, एंड डेफिनेटली द चांसेस ऑफ हैविंग हार्ट अटैक विल बी सो लेस दैट दिस थिंग विल रिवर्स। सो
And one more strong point is family history. अगर आपके family history में heart attack बहुत common है, वो लगता है, then definitely post COVID we have investigations जिसको आप करा सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो कि वो आपके blockage कहते हैं. Then if your cardiologist suggests, तो you can go for a stent. Earlier पहले angiography invasive होती थी, मतलब वो आपको एक artery के through वो enter करते थे, काटते थे, then used to. Now there is CT cardiac angiography, एक CT scan जैसा angiography होता है. उसमें डाई डालते हैं ना, आपका CT scan होता है, that shows all over the heart that कहीं पे कुछ blockage है. उस blockage को आप देख सकते हो, you can assess your risk. उसके बाद आपके cardiologist अगर आपको बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज करो या हेल्दी लाइफस्टाइल यूज करो, उससे ये रिवर्स हो जाएगा, यू कैन गो फॉर दैट. अगर आपका एज और फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, जो स्टेंटिंग नीड करता है, तो यू कैन गो फॉर दैट आल्सो. बिकॉज़ नाउअडेज विद एडेड डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एंड गुड डेटा बैकअप, वी कैन डू थिंग्स व्हिच अर्लियर वी वर अनेबल टू, सो वी कैन प्रिवेंट हार्ट अटैक. Few cases heart attack, क्या रेमेडी क्या होता है, जहाँ पे आप एस्प्रिन रख सकते हो, या जब भी आपको हार्ट अटैक या डिफिकल्टी हो रही है, इमिडिएटली गो टू द इमरजेंसी. लाइक इन सिद्धार्थ केस, व्हेन ही वाज हैविंग सिम्टम्स सिंस नाइट, बट वो घर पे ही उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, तो वो ऐसा नहीं करना. जब आपको लग रहा है कि इट कैन बी रिलेटेड टू हार्ट, जैसे स्वेटिंग हो रही है, आपको हार्ट हो रही है, चेस्ट पेन ऑफ द लेफ्ट साइड, या जो रेडिएट कर रहा है टुवर्ड्स योर जॉ या आर्म, जो आउट ऑफ द यूजुअल है, अनयूजुअल है, उसमें आपको डेफिनेटली इमरजेंसी में जाके ईसीजी कराना चाहिए. बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस द टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. अगर आप टाइम से इमरजेंसी में चले जाते हो आसपास के डिस्कस में, तो द चांसेस ऑफ having severe heart attack or death by heart attack is very less. You can minimize that, but you have to be vigilant. आपको एकदम ध्यान रखना, जब भी ऐसे कोई symptoms आ गए तो आपको immediately एक ECG करवा लेना चाहिए. So these are the few myths or जो जिसके around इतनी सारी बातें चल रही हैं. Definitely heart attack increase हुआ है, post COVID increase हुआ है, brain stress में increase हुआ है, but COVID vaccine is not one of the reason. COVID infection is one of the reasons, sedentary lifestyle, outside food is one of the reasons. So these things we can reverse with improving our lifestyle, and we can just fight with this heart attack increasing trend of heart attack with our lifestyle modifications. Thank you.